और इंडिया न्यूज की खबर पर चिकित्सा अधिकारी बौखलाए हैं। भरतपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने फोन काट दिया, हमने संपर्क साधने की कोशिश की सीएमओ से लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। नवनीत सैनी उनका नाम है, सीएमओ का नाम भी हम आपको बता दें, नवनीत सैनी। जी हाँ, नवनीत सैनी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको इंडिया न्यूज ने फोन किया और ये पूछने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस महिला को अस्पताल के अंदर जगह नहीं मिली और क्यों उस महिला के साथ इस तरीके से बिहेवियर वहां पर किया गया। क्या अगर उस महिला को या बच्चे को कुछ होता तो अस्पताल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता, ये जवाब सीधा चीफ मेडिकल ऑफिसर को देना चाहिए। और लगता है सीएमओ में इंडिया न्यूज राजस्थान के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, हमारे सवालों का सामना करने की हिम्मत सीएमओ में नहीं है, तभी उन्होंने इंडिया न्यूज का फोन भी काट दिया। हमने संपर्क करने की कोशिश की है चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, फोन काट दिया। इस मुद्दे पर वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद ब खुद अब समझ जाइए कि सीधे तौर पर यहाँ अस्पताल की लापरवाही है, इस बात को सीएमओ भी मान रहे हैं और अगर वो नहीं मानते तो हमारे सवालों का जवाब देते। उनके फोन काटने का मतलब क्या ये समझा जाए कि सीएमओ ये मान रहे हैं कि हाँ अस्पताल प्रशासन की इसमें लापरवाही है और लापरवाही की वजह से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए चीफ मेडिकल ऑफिसर ने फोन काट दिया है। भरतपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर नवनीत सैनी इंडिया न्यूज से बात करना नहीं चाहते हैं, उन्होंने फोन काट दिया, हमारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन सीएमओ साहब को इंडिया न्यूज राजस्थान एक बात बता देना चाहता है साफ तौर पर कि इस तरह के मुद्दे इंडिया न्यूज राजस्थान हमेशा से उठाता रहा है और जो अधिकारी जो प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं उनकी पोल हम खोल कर रख देते हैं और जवाब जरूर चाहिए इस मुद्दे पर सीएमओ का। कब तक फोन काटेंगे, लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हिम्मत है सीएमओ में तो वो आए और हमारे सवालों का जवाब दें और ये बताएं कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही क्यों रही, क्यों उस महिला को कोई भी डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नहीं मिला रिसीव करने के लिए और कैसे एक महिला की डिलीवरी महिला अस्पताल के गेट पर हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है अस्पताल प्रशासन पर, ये सवाल और ये दाग भी लग चुका है कैसे एक महिला और एक बच्चे की जिंदगी के साथ, एक नवजात की जिंदगी के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है। हैरानी की बात यह है इसमें कि जब महिला की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी, डिलीवरी होने के बाद भी महिला को अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया जाता, उसके बाद भी उसको किसी और अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो ये महिला अस्पताल का मामला है, भरतपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस मामले पर इंडिया न्यूज राजस्थान के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमारा फोन काट दिया है, हमने संपर्क करने की कोशिश